नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं हिंदू सनातन धर्म के 16 संस्कारों के बारे में। कौन कौन से हैं 16 संस्कार, इनका इतिहास क्या है, आज इसके बारे में बात करते हैं। प्राचीन काल में प्रत्येक कार्य संस्कार से आरंभ होता था। उस समय संस्कारों की संख्या लगभग 40 थी। जैसे जैसे समय बदलता गया, व्यक्ति के जीवन में व्यस्तता आती गई, वैसे वैसे संस्कार स्वतः ही विलुप्त होते चले गए। कहा जाता है कि गौतम स्मृति में 40 प्रकार के संस्कारों का उल्लेख है। उसके बाद महर्षि अंगिरा ने इनका अंतर्भाव 25 संस्कारों में किया, क्योंकि व्यक्ति इतना व्यस्त हो गया था अपने कार्य में, इसलिए 25 संस्कारों में उनका अंतर्भाव कर दिया। उसके बाद व्यास जी ने व्यास स्मृति में 16 संस्कारों का वर्णन किया। हमारे अनेक धर्मशास्त्र हैं, उन धर्मशास्त्रों में भी मुख्यतः 16 संस्कारों की ही व्याख्या की गई। इनमें सबसे पहला गर्भाधान संस्कार और मृत्यु के उपरांत अंत्येष्टि अंतिम संस्कार है। गर्भाधान के बाद पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जात कर्म, नामकरण, ये सभी संस्कार नवजात का दैवीय जगत से स्थापना के संबंध में किए जाते हैं। नामकरण के बाद चूड़ा कर्म, यज्ञोपवीत संस्कार होता है। इसके बाद विवाह संस्कार होता है। विवाह संस्कार गृहस्थ जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्कार है। हिंदू धर्म में स्त्री और पुरुष दोनों के लिए ही ये बहुत बड़ा संस्कार है, जो जन्म जन्मांतर के संबंधों को स्थापित करता है। विविध धर्म ग्रंथों में संस्कारों के क्रम में थोड़ा बहुत अंतर जरूर मिलता है, लेकिन ये 16 संस्कार ही है। संस्कारों के क्रम में सर्वप्रथम गर्भाधान, दूसरा पुंसवन, तीसरा सीमंतोन्नयन, चौथा जात कर्म, पांचवा नामकरण, छठा निष्क्रमण, सातवा अन्नप्राशन, आठवा चूड़ा कर्म, नौवा विद्यारंभ, दसवा कर्णवेद, ग्यारहवा यज्ञोपवीत, बारहवा वेदारंभ, तेरहवा केशांत, चौदहवा संस्कार समावर्तन, पंद्रहवा संस्कार विवाह संस्कार, और सोलहवा अंतिम संस्कार जो है वो है अंत्येष्टि संस्कार। इसके बाद बात करते हैं कि गर्भाधान से विद्यारंभ तक के संस्कारों को गर्भ संस्कार भी कहा जाता है। जब व्यक्ति गर्भाधान से लेकर के जो विद्यारंभ तक जो संस्कार होते हैं उनको गर्भ संस्कार भी कहते हैं। गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, ये अंतर्गर्भ संस्कार है। अंतर्गर्भ का मतलब होता है उदर में, पेट में ही ये तीनों संस्कार कर दिए जाते हैं। और इसके बाद में जो 6 संस्कार होते हैं उनको बहिर्गर्भ संस्कार कहते हैं। ये जब व्यक्ति का जन्म हो जाता है तब ये 6 संस्कार किए जाते हैं, और इन्हें ही गर्भ संस्कार भी कहा जाता है। ये जो गर्भ संस्कार होते हैं
ये दोषों को दूर करने के लिए होता है। शिशु के पूर्व जन्मों से आए धर्म एवं कर्म से संबंधित दोषों तथा गर्भ में आई विकृतियों के निवारण के लिए ये संस्कार किए जाते हैं। कौन कौन से? गर्भाधान, पुंसवन और सेवंतोन्नयन, जो अंतर्गर्भ संस्कार है। उसके बाद जो बहिर्गर्भ के 6 संस्कार होते हैं, इनसे उस जातक के, उस बालक के गुणों का आधान, गुणों की वृद्धि हो, इसलिए ये संस्कार किए जाते हैं। और उसके बाद के जो संस्कार हैं, वो जीवन के संस्कार होते हैं। करण वेद, यज्ञोपवीत, वेदारंभ, केशांत समावर्तन और विवाह। और उसके बाद जो अंत्येष्टि संस्कार होता है, ये उस जीवात्मा का जब यह शरीर छोड़ देता है, उसके बाद किया जाता है। इस प्रकार यह 16 संस्कार कहे गए हैं। अब आगे विचार करेंगे कौन कौन से संस्कार, उनका क्या महत्व है, कैसे कैसे ये संस्कार करने चाहिए, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।